नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव डोंगखेड़ा में मंदिर में पूजा करने को लेकर एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले युवक मंदिर में पूजा करने गया था, जहाँ उसको कुछ लोगों ने पूजा करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद पड़ गया। इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शनिवार की रात बदमाशों ने दलित युवक के घर में घुसकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात के पीछे की वजह मंदिर में पूजा को लेकर हुए विवाद को मानी जा रही है। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने गांव के ही चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी लेने के बाद हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। तो अमरोहा में दलित युवक को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो मंदिर में पूजा करने जा रहा था। उसके बाद कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ और उसको कुछ लोगों ने मंदिर में पूजा करने से मना किया, जिसके बाद गोली मारकर उसकी कुछ दिन बाद हत्या कर दी गई। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या है पूरा मामला? देखिए सर, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में जो है पूजा करने को लेकर एक दलित युवक की जो दूसरी बिरादरी के लोगों ने जो है हत्या कर दी है। इसमें चार लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एसपी और डीएम और आईजी ने जो है गांव का दौरा किया है और शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं राजनीतिक दलों का भी जो है गाँव में जाना हो रहा है। इसी को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और जो है कमाल अख्तर भी ने भी गांव का दौरा किया है। और इसी को लेकर जो अनुसूचित जनजाति के पूर्व स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं सतीश रेड्डी, उन्होंने भी गांव का दौरा किया है और जो है इनको जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय का भरोसा दिया है। ये विवाद कैसे बढ़ा कि गोली मारकर उसकी हत्या कर दी? विवाद की शुरुआत कैसे हुई? देखिए सर, बता दें कि जो वहां पर मंदिर है उसमें जो है दलित युवक जो है पूजा करने के लिए गया था। वहीं दूसरी बिरादरी के लोगों ने इसका विरोध किया और उनमें जो है लगभग 9 दिन पहले आज से कहासुनी हुई थी और मारपीट हो गई थी। इस पर जो है पुलिस ने भी शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की, जिसको लेकर पुरानी रंजिश मानते हुए दूसरी बिरादरी के लोगों ने जो है देर रात जो है शनिवार की चार लोगों ने मिलकर उस दलित युवक की विकास की जो है हत्या कर दी। अच्छा आसिफ, परिजन से आपने बात किया होगा, तो क्या कहना है परिजनों का, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में? देखिए, परिजनों का कहना है कि जो है पूजा करने को लेकर ही, परिजनों का जो कहना है वो पूजा करने को लेकर ही जो विवाद हुआ है उसी को मान रहे हैं कि इसी को लेकर उन्होंने जो है विकास की हत्या की है। तो अमरोहा में एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसकी वजह जो बताई जा रही है वो मंदिर में पूजा को लेकर हुए विवाद को इसकी वजह मानी जा रही है। कानपुर के बिल्लौर में शराब के नशे में हुए झगड़े के दौरान हवालात में बंद किए गए बदमाशों को कुछ दबंग अपने आप को नेता बताते हुए थाने के अंदर घुसकर पुलिस वालों को धमकाते हुए मुलजिमों को हवालात से छुड़ा ले गए। और जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त थानेदार थाने में ही मौजूद थे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के सामने खाकी वर्दी वाले कमजोर पड़ गए। गरीबों और मजलूमों की FIR न लिखने के लिए चर्चा में रहने वाले थानेदार साहब खाकी का सम्मान नहीं बचा पाए। सोशल मीडिया पर जब दबंगई का वीडियो वायरल हुआ तो हलचल मच गया। तो कानपुर में सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेताओं ने पुलिस वालों के सामने मुलजिमों को हवालात से छुड़ा ले गए और पुलिस देखती रही। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रिजवान आलम जुड़ चुके हैं। रिजवान, पूरा मामला क्या है ये? सर, मामला कानपुर बिल्लौर का है, जहां पर कुछ दबंग सत्ता पक्ष नेताओं ने बिना मास्क पहने ही थाने परिसर के अंदर आकर आरोपी जो जुए पकड़ा गया था उसको पुलिस को अपशब्द कहा और उसको अपने हाथ से छुड़ा के ले गए। जो दबंग, जी, और पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी रही कि, और उसके बाद जब दबंग छुड़ा कर ले गए उसके बाद कहा सुनी अपशब्द भी कहा पुलिस को। कौन थे वो लोग जो थाने के अंदर घुस जाते हैं और हवालात के अंदर से मुलजिमों को छुड़ा लेते हैं? सत्ता पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं सर, और आला अधिकारियों ने मामले संज्ञान में लिया और पूरा मामला सीओ को सौंप दिया गया है। जांच के आदेश पे ही कार्रवाई की जाएगी सर। जो मुलजिम बाहर गए थे तो क्या दोबारा उनको पकड़ा गया या फिर बाहर ही है वो? सर, वो जो दोबारा बाहर गए थे दोबारा उनको पकड़ा नहीं गया। अच्छा, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कानपुर में सत्ताधारी की पार्टी के लोग थाने के अंदर जाकर मुलजिम को हवालात के अंदर से छुड़ा ले जाते हैं और पुलिस देखती रह जाती है।
खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शहीद पथ से एयरपोर्ट के लिए निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे। कुछ देर तक केशव प्रसाद मौर्य ने वहां रुककर निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिप्टी सीएम अधिकारियों और वहां पर काम कर रहे लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अर्जी पर इस मामले में 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है। इन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं होगी और अगले आदेश तक ये सीटें खाली रहेंगी। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये सुनवाई हुई। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अयोध्या में बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल शिक्षा विभाग बीकापुर ब्लॉक के बिलारी प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक टीचर को रिटायर करना ही भूल गए। शिक्षिका को लॉकडाउन में ही 31 मार्च को रिटायर होना था, लेकिन विभाग ने रिटायर नहीं किया। इसके चलते अप्रैल और मई 2 महीने की सैलरी उसके खाते में ट्रांसफर हो गई। हालांकि इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत मौर्य का कहना है कि लॉकडाउन के चलते ऐसी मानवीय चूक हुई है, लेकिन अब विभाग 2 महीने की सैलरी शिक्षिका से रिकवर करेगा। 13 मार्च से लॉकडाउन था, उनको 31 मार्च तक रिटायर हो जाना था, रिटायर भी हो गए। 2 महीने का जो एक्सेस वेतन चला गया है, उस वेतन को हम रिकवरी करा रहे हैं। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा कैंट बिजली घर और शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। इसके साथ ही श्रीकांत शर्मा ने बाजारों की स्थिति और ट्रैफिक का हाल जानने के लिए साइकिल यात्रा की। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। ऊर्जा मंत्री ने ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कड़े निर्देश दिए। बाराबंकी के देवा इलाके में दबंगों और गुंडों के आतंक से दहशत का माहौल पैदा हो गया। दरअसल टेरा खुर्द गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस विवाद में लाठी डंडों से लैस गुंडों ने महिला समेत 6 से ज्यादा ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। राजिंदर दिनेश लोगों ने अपने रिश्तेदारों को दबंगों को बुला करके हम लोगों को मारा, और उसके बाद में गांव के लोग जब उनका रोकने के लिए आए तो गांव वालों को दौड़ा दौड़ा करके पूरे गांव में घर में घुस घुस के मारे हैं और औरतों को भी मारा है। आप थाने गए? थाने गए तो हमारी तरफ से 2 औरतों को 151 में भेज दिए। बाहर के लोगों ने मारा, हमारे पापा जानवर की तरफ खड़े थे और हम घर में खाना खा रहे थे। जब ये हंगामा हुआ तो हम घर से बाहर निकले तो देखे हमारे पापा उधर से भागते हुए आ रहे थे। फिर कुछ आदमी, कौन लोग थे? वो आदमी बाहरी थे। अच्छा, आपको भी मारा उन्होंने? जब पापा ने हमारे दरवाजा बंद कर लिया तब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। देश को अनलॉक हुए करीब 10 दिन हो चुके हैं और इस दौरान कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि आजमगढ़ में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। अब तक इस जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 158 हो गई है। कुल मरीजों में से वर्तमान समय में अभी 103 एक्टिव केस हैं, वहीं 52 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 3 मरीजों की मौत हो गई है। बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला ललितपुर का है, जहां एक गल्ला व्यापारी को कुछ बदमाशों ने उसी की गाड़ी में जान से मारने की कोशिश की। इस दौरान युवक ने गाड़ी का कांच तोड़कर अपनी जान बचाई, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीएम योगी की लाख शक्ति के बाद भी यूपी पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। एक बार फिर पुलिस का बेरहम चेहरा देखने को मिला है। बता दें कि लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के कुकरेल पुल के नीचे एक पुलिस वाला युवक को बेरहमी से पीटता नजर आया। युवक के सीने पर पैर रख कर के पुलिसकर्मी ने उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस की इस क्रूरता भरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।